आज है सावन का तीसरा सोमवार और अभी मैं हूँ दिल्ली में और सावन का पवित्र महीना समर्पित है देवों के देव महादेव को, जिनका ना आदि है और ना ही अंत है। वैसे तो इस संसार में 5 कैलाश है, पर जो सर्व प्रमुख है वो कैलाश मानसरोवर जो कि अभी तिब्बत में है, परंतु 4 कैलाश जो कि भारत में है उनमें से एक है मणिमहेश कैलाश, जिनके दर्शन के लिए अभी मैं थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी मणिमहेश कैलाश की यात्रा। टाइम हो रहा है रात के 10 और अभी मैं निकल चुका हूँ दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के लिए, जहाँ से मेरी ट्रेन है पठानकोट के लिए। और इस जर्नी में मैं पब्लिक कन्वेंस में ही ट्रैवल करने वाला हूँ, ना कोई स्कूटी ना कोई कार, बस ट्रेन एंड ऑटो यही है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पे और मेरी ट्रेन है धौलाधार एक्सप्रेस जो कि पठानकोट तक जाएगी दिल्ली सराय रोहिल्ला से। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ट्रेन की जर्नी। ट्रेन अपनी प्लेटफॉर्म में लग चुकी है, अब बैठते हैं ट्रेन में और बढ़ते हैं यहाँ से पठानकोट के लिए। तो अगर आप भी दिल्ली से मणिमहेश जी की यात्रा करना चाहते हैं और पब्लिक कन्वेंस के थ्रू करना चाहते हैं तो आप दिल्ली से ट्रेन बुक करके पठानकोट तक जा सकते हैं, इसके बाद आपको बस से यात्रा करनी होगी। अगर आप डायरेक्ट बस से यात्रा करना चाहते हैं तो दिल्ली से ऑर्डनरी बसें एंड एसी बसें भी चंबा तक की आपको मिल जाएंगी, जिनका किराया मोस्टली 800 से 1700 तक के बीच में ही है। मैंने चेक किया था तो मुझे बस का सफ़र इतना लंबा सही नहीं लगता है, बैठे बैठे हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी रात को करीब 3 बज रहा है और धूरी जंक्शन पहुँच चुके हैं और यहाँ पर 8 मिनट का स्टॉपेज है और यहाँ से संगरूर, हिसार, पटियाला, राजपुरा, बरनाला, बठिंडा, पठानकोट, जम्मू तक जाने के लिए बदलनी चाहिए गाड़ियाँ। तो वेट करते हैं और कुछ खाने पीने के लिए लिया है, बहुत तेज़ भूख लगी यार अब। और आपको कई सारी और भी ट्रेनें मिल जाएंगी जो कि डेली नहीं चलती हैं, वीकडेज में 1 या 2 दिन के गैप में या 3 दिन के गैप में ही चलती हैं। एंड धौलाधार एक्सप्रेस भी डेली नहीं चलती है, 1 या 2 दिन के गैप में ही चलती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो डेट पहले डिसाइड कर लें। और यहाँ पे 10 मिनट बिफोर पहुँचिए फिर भी यहाँ से शायद लेट चल जाएगी, क्योंकि 5:05 का टाइम है और ऑलरेडी 5:05 हो चुका है एंड इसके पहले एक ट्रेन और गई है तो शायद उसकी वजह से लेट हो। और बात करूँ मैं अपनी इस ट्रेन जर्नी की तो भाई बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही आरामदायक जर्नी रही है अभी तक की, क्योंकि ये ट्रेन बिल्कुल खाली है, नाम मात्र का इसमें क्राउड है, मोस्टली सीटें इसमें खाली हैं और मोस्टली खाली ही चलती है। जैसा कि लोग बता रहे थे कि ये ट्रेन मोस्टली खाली ही चलती है, चाहे ये आते टाइम हो चाहे जाते टाइम खाली रहती है। तो अगर आप आना चाहते हैं पठानकोट तक तो इस ट्रेन को प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, बट ये डेली नहीं चलती है, हफ्ते में 3 या 4 दिन ही चलती है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जाने से पहले डेट डिसाइड कर लें, इसके बाद अपनी जर्नी प्लान करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये सेकेंड लास्ट स्टॉपेज है इस ट्रेन का, इसके बाद सीधा पठानकोट रुकेगी। और पठानकोट पहुंच के सबसे पहला काम जो है वो अपनी पेट पूजा करेंगे भाई, बहुत तेज़ भूख लगी है, रात में बस वही केक और थोड़ी नमकीन खाई थी, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया है। एंड कल भी सिर्फ केले खाए थे और थोड़ी फ्राइड पोटैटो, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि कल मेरा फास्ट था इसलिए खाना वगैरह खा नहीं सकते। राइट टाइम पहुँचा दिए लेकिन प्लेटफॉर्म में नहीं उतार रही, ना इधर प्लेटफॉर्म दिख रहा है और ना इधर। तो फाइनली पठानकोट तो पहुंच गए, अब चलते हैं पहले पेट पूजा करते हैं फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये वाली ऑटो आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे अभी भी चल रही है, मतलब हमारे यहाँ भी चलती थी फतेहपुर में, बट अब ये सब बंद हो चुकी, कम से कम 20 साल हो गए लगभग इनको बंद हो गए। यहाँ चलते हैं पहले बस का पता कर लेते हैं कि कितने बजे बस मिलेगी चंबा की। मन तो मेरा बहुत था भाई कुछ पंजाबी खाने का, जस्ट लाइक छोले भटूरे, छोले कुलचे, लस्सी एंड इसी तरह कुछ, मतलब चटपटा पंजाबी तड़के वाला खाना खाने का, बट क्या करें भाई मजबूरी है, अगर ये बस छूट गई तो फिर इसके बाद डायरेक्ट भरमौर के लिए कोई बस नहीं है। एंड एक बार बस पकड़ ली तो फिर बार बार उतरने का मन नहीं करता है, तो अब कोई ना, निकलते हैं यहाँ से, आगे जहाँ कहीं बस रुकेगी वहाँ पर कुछ खाएँगे, क्या कर सकते हैं भाई।
और अभी जस्ट पहाड़ों में इंटर किए हैं और भाई साहब को पता चला है कि इसमें फ्यूल कम है, ये चंबा तक नहीं पहुंच पाएगी। तो बताइए अब इसमें क्या कर सकते हैं, रेस ही नहीं ले रही भाई साहब की गाड़ी, रास्ते में ना ख़राब हो जाए नहीं तो हालत ख़राब हो जानी है। चढ़ाई पे बहुत ज़्यादा स्लो हो जा रही है, प्लेन में तो कोई दिक्कत नहीं है बट जैसे ही चढ़ाई आती है एकदम स्लो हो जाती है, 5-10 की स्पीड में रेंगने लगती है। तो आई होप ख़राब ना हो, अच्छे से ये जर्नी कंप्लीट हो जाए, भरमौर तक की, चंबा तक की कंप्लीट हो जाए वही बहुत है, क्योंकि चंबा के बाद भरमौर हडसर के लिए बसें मिल जाएंगी, बट यहाँ से अगर ख़राब हुई तो फिर काफ़ी टाइम लग सकता है, फालतू में यहाँ वेट करना पड़ेगा दूसरी बस के आने का, और कुछ नहीं हो, गर्मी में सड़ना पड़ेगा वो अलग, थकावट जो होगी वो अलग। और इस बस का जो अराइवल टाइम है भरमौर पहुँचाने का वो है शाम को 6 बजे एंड सुबह 9 बजे ये बस चली है पठानकोट से, तो ऑलमोस्ट 9 घंटे लगेंगे अपने को इस बस में भरमौर तक पहुँचने में। तो 9 घंटे अब टिका के बैठना है भाई, अभी दुनेरा पहुँच चुके हैं, अब यहाँ पे पहले कुछ खा पी लेते हैं देन फिर इसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बहुत तेज़ भूख लगी भाई, बहुत तेज, आते ऐसे कुल्ला रहे हैं कि पूछिए मत, कंट्रोल नहीं हो रहा। तो अभी दुनेरा पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बस रुकी है नाश्ता पानी के लिए, बट अपने को चाहिए कुछ पंजाबी वाला नहीं मिल रहा यार, ना यहाँ पे कुलचे वगैरह मिल रहे हैं ना यहाँ पे भटूरे मिल रहे हैं, क्या कहें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोले कुलचे छोले भटूरे ना सही, राजमा चावल से ही काम चला लेंगे अपना, और क्या कर सकते हैं, जो है वो खा लो बस। एंड रोड कंडीशन की बात करें तो अभी तक रोड काफ़ी सही मिले हैं, मतलब मीडियम है, कहीं कहीं पे अच्छे पैचेस हैं, कहीं कहीं पे ख़राब हैं, तो इतना ख़राब भी नहीं कह सकते ना ही इतना अच्छा कह सकते हैं, मतलब एवरेज रोड है, आपको यहाँ तक अच्छी रोड मिलेगी, इतना कुछ ख़राब नहीं मिलेगी। बाकी आगे देखते हैं कैसा रहता है, वो तो डिपेंड करता है, क्या पता मानसून के कारण कहीं लैंडस्लाइड हो गई हो तो रास्ता बह गया हो, या फिर ज़्यादा बारिश हुई हो तो रोड टूट गई हो, उखड़ गई हो, कुछ भी हो सकता है, पहाड़ों में रोड का कुछ नहीं कह सकते आप, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी बानी खेत पहुंचने वाले हैं और ये बानी खेत की चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और इस बस की स्पीड 5 से 10 की हो चुकी है, बस भाई भी आराम से एकदम टिका के बैठे हैं, आराम से बस चलते जा रहे हैं, नज़ारे भी इंजॉय कर रहे हैं, अपनी बस की जर्नी भी इंजॉय कर रहे हैं, और पिछवाड़ जो कल्ला रहे हो भाई अलग, मतलब अभी 1 बज रहा है ऑलमोस्ट एंड यहाँ से 1 घंटे करीब और लगेगा अपने को चंबा पहुँचने में, तो लेट्स सी सही सलामत पहुँच जाए बस। अभी ये बानी खेत पहुँच चुके हैं, अब यहाँ पे जो सवारियाँ उतरनी होंगी उतरनी होंगी, देन इसके बाद चंबा के लिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ से चंबा की डिस्टेंस जस्ट 45 किलोमीटर और है बानी खेत से, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और चमेरा लेक तक की जर्नी मैंने ऑलमोस्ट कर ही चुकी है, अगर वो ब्लॉग आपने नहीं देखा है, मेरी डलहौजी वाली और धर्मशाला वाली सीरीज़ आपने नहीं देखी है, तो वहाँ जाके आप चमेरा लेक एंड बानी खेत, डलहौजी, धर्मशाला, मैकलॉटगंज, नड्डी, इन सब के भी ब्लॉग आप देख सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो पार्ट ज़्यादा कवर नहीं किया। बाकी आगे की जर्नी अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बानी खेत से लेकर या चमेरा लेक से लेकर अपनी भरमौर तक की जर्नी, कैसी रोड कंडीशन है वो सब भी अभी आपको मैं बताता हूँ। तो ऑलमोस्ट 24 घंटे होने वाले हैं मुझे नींद लिए हुए है, मतलब पूरी रात ट्रेन में भी नहीं सोया मैं एंड अभी बस का सफ़र भी कंटिन्यू हो गया, तो हालत ख़राब है भाई, अब नींद चाहिए अपने को, तो आगे बैठे हैं, अब नींद भी नहीं आएगी, पूरी बस भी ऑलरेडी भरी हुई, पहाड़ों में मोस्टली बसें भर के ही चलती हैं, खाली आपको जल्दी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं, तो इस वजह से बसें हमेशा भर के ही चलती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। और एक यहाँ पे हल्के होने का ब्रेक, वाटर ब्रेक, मतलब जो भी अपना करना हो 5 मिनट का टाइम है उसी में निपटा लो, बगल में चमेरा लेक और यहाँ से अभी 20 किलोमीटर है चंबा।
करीब एक घंटे चंबा में बिताने के बाद अब आगे बढ़ चुके हैं भरमौर के लिए। अब यहाँ से 3 घंटे ऑलमोस्ट और लगेगा भरमौर पहुँचने में, एंड यहाँ करीब 1 घंटे तक बस भी अपना मेंटेन हो गई, जो कमी थी वो भी कंप्लीट हो गई, फ्यूल भी भरा लिया भाई ने। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं भरमौर के लिए, जो कि यहाँ से करीब है 89 किलोमीटर, और यहाँ से करीब 25 किलोमीटर तक रोड काफ़ी अच्छी है, बट उसके बाद रोड कंडीशन थोड़ी ख़राब है। मतलब नैरो रोड भी मिलेगा आपको, लैंडस्लाइड वाले एरिया भी मिलेंगे, एंड थोड़ा आपको ऑफ रोड पैचेस भी मिलेंगे। बाकी जैसा भी होगा रास्ते में बताते हैं। रोड काफ़ी नैरो हो जाएगा अभी, तो थोड़ा यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो थोड़ा संभल के आएँ, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि सामने से अगर स्पीड से गाड़ी आ रही होगी तो कुछ भी होने के चांसेस हैं। बाकी आप खुद ही देख लेना कैसे कैसे रोड हैं, एक गाड़ी निकलने की केवल जगह है, वो आमने सामने हो गए तो भी दिक्कत है। बाकी आप मेरी हालत तो देख ही रहे हो, कैसे एकदम बेकार टाइप की हो रखी है, बस बैठे हैं, ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा है, अब ये कंडीशन हो गई मेरी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यही दिक्कत है। खड़ा मुख ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, बट इसके पहले आमना सामना हो गया भाई, और यहाँ आप ये देख लो कितनी चौड़ी रोड है, इवन छोटी गाड़ियाँ भी ओवरटेक या फिर साइड में एक साथ निकल नहीं सकती, इतनी नैरो रोड है, कहीं कहीं पे आपको बैक करना ही पड़ेगा, तो आप करो या तो सामने वाला करे, इस तरह कंडीशन है। तो यहाँ पे बहुत ही केयरफुली चलाना, थोड़ा थोड़ा लैंडस्लाइड जोन भी बीच बीच में आते रहते हैं, मतलब पत्थर कभी भी गिरने के चांसेस रहते हैं, तो ऊपर भी थोड़ा देख के चलें, नहीं तो दुर्घटना कभी भी घट सकती है। बाकी भोलेनाथ की कृपा से यात्रा हमेशा अच्छी रहती है। और ये आ गए हम खड़ा मुख, यहाँ से प्रथम दर्शन होते हैं आपको मणिमहेश कैलाश के, मतलब ये पहला एक ऐसा प्लेस मिलेगा जहाँ से आपको मणिमहेश कैलाश की चोटी दिख जाएगी। बाकी ये रहा भरमौर, अब चलते हैं सबसे पहले होटल लेते हैं। टाइम शाम का 6 बज चुका है और अभी आ चुके हैं ग्रीन वैली होम स्टे में, एंड यहाँ पे रूम ले लिया है, 400 का पड़ा है, एंट्री कराते हैं फिर रूम टूर कराते हैं आपको। और ऐसा कुछ व्यू है सामने का, मौसम अभी मतलब धूप निकली है तो थोड़ा सही है। हाँ जी कुछ नहीं सर, वो ऐसा कुछ है अपना रूम, ये अपना बेड, ये थोड़ा सा स्पेस जिसमें कुछ नहीं करना, और ये वॉशरूम। मस्त है भाई, हालत देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जन्मों से यात्रा ही किए जा रहे हैं, यात्रा ही किए जा रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब आराम करेंगे भाई, मस्त माहौल है। मिलते हैं अब आपको शाम को। टाइम हो रहा है रात के 10 बज रहा है ऑलमोस्ट, एंड अभी जस्ट खाना खा के आए हैं और आके सीधा सो गए थे यार, 9:15 बजे नींद खुली है, मम्मी को फोन आया था तब जाके नींद खुली है। इसके बाद गए हैं खाना खा के आए, अभी जस्ट लेटे हैं, अब सोएंगे यार, थकावट नहीं जा रही है, और कल अगर थकावट नहीं गई कल दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कल मणिमहेश की यात्रा तो करनी ही करनी है, बट वो पूरी नहीं कर पाएंगे, अड़सर से या तो धनचो तक जाएंगे या फिर देखते हैं हटसर में ही रुक जाएंगे, अभी कुछ मतलब प्लान नहीं है। तो कल का यही प्लान है कि यहाँ से पहले बनवाड़ी माता का ट्रैक करेंगे, या फिर अगर गाड़ी से हो सका, अगर गाड़ी मिल गई यहीं से तो गाड़ी भी जाती है वहाँ पर, 2-2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है तो गाड़ी से ही चले जाएंगे, और फिर उसके बाद 84 मंदिर है यहाँ पे, वहाँ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बिना मणिमहेश की यात्रा इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो ये दो करके तब फिर हटसर, देन फिर इसके बाद आगे के लिए निकलेंगे। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।